This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। छिन सकता है कांग्रेस से हाथ, 18 अप्रैल को चुनाव आयोग करेगा सुनवाई। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में भारतीय चुनाव आयोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रद्द किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। चुनाव आयोग 18 अप्रैल को 3 बजे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार करेंगे। इसी साल जनवरी में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग से पंजे के निशान वाले चुनाव चिन्ह को रद्द किए जाने की मांग करते हुए गुजारिश की कि हाथ मानव शरीर का अभिन्न हिस्सा है और ये चुनाव चिन्ह आचार संहिता का उल्लंघन करता है। 6 पेज की अपनी याचिका में उपाध्याय ने कहा कि यह प्रतीक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है और इससे चुनाव की आचार संहिता को भी उल्लंघन होता है। अपनी इन मांगों के साथ उपाध्याय मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत से और पोल पैनल की कानूनी सलाहकारों से भी मुलाकात की थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग कैंपेनिंग खत्म होने के बाद भी करती है, यहाँ तक कि चुनाव के दिन भी उम्मीदवार, पार्टी समर्थक और चुनाव एजेंट चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा का उपयोग इशारों में करते हैं। पोलिंग बूथ पर भी जहां किसी तरह के इशारे या प्रचार प्रसार की मनाही होती है, वहीं भी इशारों में प्रचार पार्टी का किया जाता है।